अखे जी तुसी कह देंदे हो गुरु गोबिंद सिंह ने 14 जंगा मुगलिया सल्तनत के खिलाफ लड़िया, तुसी बाई धार के हिंदू राजियां नू बरी कर दे हो, किसी ने बरी नहीं किया। जदों समा सीमित होवे विचार करन दा ते आपां आगू का नाम लैने भी मुगलिया सल्तनत नाल औरंगजेब नाल गुरां ने 14 जंगा लड़िया। जिमें इंदिरा गांधी के हुक्म विच भारत की फौज ने अकाल तख्त टा दिता, तो जदों समा पूरा होवे ते आपां खुल के विचार रखते हैं भी इंदिरा के हुक्म विच कुलदीप बराड़ वर्गियां हमला किया। जदों समा सीमित होवे ते मोटी गल करांगे भी इंदिरा ने अकाल तख्त टवाया, तो इंदिरा का नाम लिया ये किवें समझ लोगे तुसीं भी कुलदीप बराड़ नूं आजाद कर दिता। औरंगजेब का नाम लिया तुसीं किवें तुहमत ला सकते हो भी बाई धारीए हिंदू राजियां नूं आजाद कर दिता भी वह दोषी नहीं गुरु ते हमला करन दे। बाई धारीए दोषी ने कोई दो राय नहीं, पर औरंगजेब नूं रिहा ना करो। 14 जंगा ही मुगलिया सल्तनत दे हुक्म विच होईयां, कठपुतलियां ने नच रहे ने गुलाम राजे जो हिंदू सन राजपूत सन औरंगजेब दे हुक्म विच। जदों जफरनामा पढ़ते हो एक शेर एक बचन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा बाई धार दे हिंदू राजियां दे खिलाफ है, बाकी 100 तो उपर शेर औरंगजेब दी जुल्मों सितम ढाउण वाली दुनिया दे खिलाफ ने। साफ पातशाह लिखते ने, कसम मुसफे खुफिया गर ई खुरम ना फौजे अजी जेर सुम अफकुनम। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे च कहिंदे औरंगजेब आनंदपुर तेरी झूठी कुरान की कसम करके मैं छड्या, ते देख मेरी फौज लंगड़ी हो गई, मैं यकीन ना करदा ते नुकसान ना हुंदा। उन्हां वड्डा दोषी जंगा दा औरंगजेब नूं आख्या है, तुसीं किवें बाणी चुखला दोगे। ना दानम के ई मर्द रोह वाहा पेच वगर हर गिजी रहन यारद बहेच। वो कहिंदे तू लूंबड़ है, तू धर्मी नहीं औरंगजेब, तेरे ढिड विच कुछ होर जबान ते कुछ होर है, मैं कदे भी लड़ाई दे रस्ते ते ना चलदा जे तू मैनू धोखा ना दिंदा। अगला शेर फिर कहिंदे ने कि अजबस्त इनसाफों ई परवरी के है फस्त सद हैफ ई सरवरी। वो तू राजा है देश दा, अजीब जी तेरी धर्म की पालना है, 100 वार अफसोस है तेरे राज ते तेरी सरदारी ते, तू जुल्म करदा है फकीरां ते। और अगे आपां सारयां नूं पता वजीर खां ने साहिबजादे शहीद करवाए, पर महाराज इत्थे भी कहिंदे ने तेरे हुक्म दे विच ही वजीर खां ने मेरे साहिबजादे शहीद कीते, चिहा शुद्ध के चू बचगा कुश्ते चार के बाकी बैमा दस्त पेची दे मार। की होया तू मेरे चार बचे शहीद कर दिते, मेरा कुंडलिया सप खालसा जिउंदा है, गुरु गोबिंद सिंह जिउंदा है, दिल्ली दे तख्त नू चकना चूर करेगा। फिर अगे महाराज कहिंदे ने शहन शाहे औरंगजेब आलमीन केदार आए दौरस्त दूरस्त दीन। तू दीन तो धर्म तो दूर है, पाप कमाना है औरंगजेब। बाई धारिए राजियां बारे फिर एक शेर लिखिया है, मनम कुश्त हम कोहिया बुत परस्त के या बुत प्रस्तंदो मन बुत शिकस्त। कहिंदे आए औरंगजेब ये बाई धारिए जेडे राजे ने ना मेरे विरोध विच पता क्यों ने, राजपूत राजे बुतां नूं पूजण वाले ने, ते मैं इस बुत पूजक विचार धाड़ा नूं तोड़दा हाँ। बुत जड़ है, पूजा करनी ते काल पुरख दी करो, बाकी सारे जुल्म दा ठीकरा औरंगजेब ते पातशाह ने भन्निया है। बाई धार दे राजे उन्हां गुलाम पंछियां वर्गे सन जिहड़े पिंजरे च लंबे समय तो रहे, जिहड़ा 5-6 दिन पिंजरे च पंछी रहे कुंडी खोलो वह उड जाएगा, जिहड़ा 6 महीने पंछी पिंजरे च रहे कुंडी खोलोगे तुहानू ही चुंजा मारेगा, उहनू गुलामी ना प्यार है। ये रजवाड़े गुलामी की रोटी खाते सन। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने औरंगजेब के जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई, जिमें ज्ञान खड़ग बाबर के खिलाफ गुरु नानक ने उठाई सी ज्ञान की लड़ाई, हुण लोह खड़ग उठाई क्योंकि प्रेम की भाषा औरंगजेब नहीं समझदा। जदों बगावत शुरू ही हुई आनंदपुर चों, औरंगजेब का ऐलान सी आए बाई धार दे राजो तुहाडे इलाके चों बगावत शुरू हुई है,
गोविंद राय तुहाडा तख्त भी मल्लेगा, दिल्ली वल नूं भी आवेगा। ये ना होवे तुसी गोविंद दे पक्ष विच खलो जाओ ते मैं तुहाडी गुलामी दी रोटी भी खो लवां, तुहानूं मार दवां। दूसरा अपने तखत का भी राजियां नूं डर है, इस करके औरंगजेब दे नाल खलोंदे ने। तो मैं ये भी बेनती कर देवां, जिहड़े कहिंदे ना 14 जंगां नहीं होईआं, कदे इतिहास पढ़िओ। पहला पंगाणी का युद्ध हुंदा है जिथे 22 धार दे राजे जंग पातशाह नाल लड़दे ने, हयात खां ते नजाबत खान मुगलिया सल्तनत वालों जंग लड़न आए ने। दूसरी जंग लड़ी गई है निधाउण दी, अलिफ खां वर्गे मुगलों वालों आए ने, किरपाल चंद वर्गे हिंदुओं वालों राजे आए ने। इस तरह ही गुलेर की जंग है। जदों तुसीं सारा इतिहास पढ़ते हो ना, तुहानूं समझ आएगी भी 22 धार दे राजे ते मुगल इकट्ठे ने। सिर्फ 14 चों एक खिदराने की ढा वाला जंग ही कले मुगल लड़ते ने। बैटल ऑफ बिघानी पढ़ो, बैटल ऑफ नंदौन पढ़ो, बैटल ऑफ गुलेर पढ़ो, बैटल ऑफ बसोली पढ़ो। कदे वेरवा लैना होया तो वेले टाइम आप जिक्र करांगे। आनंदपुरी 4-5 लड़ाइया हुई, चमकौर की गढ़ी लड़ाई हुई, खिदराने की ढाब लड़ाई हुई। ये बड़ा लंबे रा इतिहास है। और मैं एक गल कह दवा, दोवां तरफां तों हवा चली सी ब्राह्मण वालों भी ते मुगल वालों भी सिखी दे दीवे नूं बजाउण लई, पर असीं फिर भी किसी धर्म नाल नफरत ना कीती है ना करनी है। गुरु गोबिंद सिंह ते आप लिखदे ने, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जात सब एके पहचान बो। गुरु अर्जन साहब आप लिखदे ने, एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सिख किसे धर्म का दुश्मन नहीं। जिहड़ा कह देना ये जिहड़ा समागम करवाया गया भारत सरकार वालों, ये सरकारी समागम है जी। मेरी एक गल का ख्याल रखियो, जिस दिन भारत सरकार दे समागम चों ये गल चलेगी भी जंजू पहन लैन सिख, असीं विरोध करांगे। जिन्ना चिर भारत सरकार श्री गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिख जगत का रहबर कहिंदी है, दुनिया का रक्षक कहिंदी है, सनातन मत नूं बचाउण वाला कहिंदी है, साडे ते जंजू नहीं थोपदी, साडे प्यो दे सोले गाउंदी है ते असीं नाल हाँ, साडे प्यो दी वडियाई देशां दशंतरां विच जिहड़ा पहुँचावेगा उहदे नाल हां असीं, जिहड़ा साडे तख्त ढावेगा साडी खिलाफत करेगा उहदे विरोध विच हाँ। एक होर बेनती कर दवां, जिहड़े कहिंदे ना जी इन्हां स्टेजां तों प्रबंधक कह दिंदे ने जी ये कथा करो वो कथा करो, विचार लई खुला सद्दा है। असीं बाणी बाणे सिधांत ते चलण वाले हैं, ना किसे प्रबंधक दे कहे विच चलदे हैं। जे सरकारां दी गल करदे हो, जिस दिन भारत वर्ष दी सरकार ने खेती कानून लागू किए, इसे बंगला साहब दी स्टेज तों दास ने पहला विरोध किया है। जिस दिन निशान साहब का लाल किले ते विरोध होया, इसे स्टेज तों दास ने कहा जे निशान साहब ना झूलिया हुंदा ते अज तिरंगा ना झूलदा। जे ते साडे प्यो गुरु तेग बहादुर की वडियाई गाओगे ते असी नाल हाँ, जे साडे ते किसे होर धर्म के चिन्ह थोपोगे ते असी विरोध विच हाँ। सिख धर्म वखरा है, रवेगा सिखी प्रफुल्लत है, और इतिहास नूं बाणी नूं कोई नहीं बदल सकता। बाकी दास विचार लई खुला सद्दा दिंदा हुंदा सारिआं नूं, सिधांतां ते चलो, खंडे दी पौल छको, अपनी अडरी हस्ती नूं याद रखो, ना 1984 भुल्लो ते ना ही मुगलिया सल्तनत दा होया जुल्मिया राज सिख जगत ते कीते हुए जुल्मां नूं भुल्लो, ना ब्राह्मण दी बदनीति नूं भुल्लो, ना मुगलां दी बदनीति नूं भुल्लो। पौल छको, खालसे दे चिन्ह धारो, कच कड़ा कृपान कंघे केस नूं धार के सिखी नूं प्रफुल्लत करो। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी गुरु करों सोझी लो, जीवन सफला होवे।